नमस्कार दोस्तों दोस्तों मुझे आज बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि आज आपके बीच बिल्कुल नया अनूठा और यूनिक ऑक्टोपैड लेकर के आया हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि ये प्रोडक्ट आने वाले समय में बहुत सक्सेस और एक अजूबा प्रोडक्ट बनने वाला है। दोस्तों इस प्रोडक्ट का नाम है SPD 20 Pro। दोस्तों SPD 20 Pro में बहुत सारे फीचर हैं, बहुत सारी खूबियाँ हैं, मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं साउंड सेक्शन में, इंस्ट्रूमेंट सेक्शन। दोस्तों SPD 20 Pro में साउंड के बारे में मैं क्या बताऊँ, पुराना SPD 20, SPD 20X और नया इंडियन सिंपल है, यानी SPD 20 का पूरा 700 साउंड। SPD 20X में जो नया साउंड सैंपल किया गया था वो भी दिया हुआ है, इसके साथ न्यू इंडियन सैंपल साउंड है, मतलब इंडियन साउंड जो आपके रीजनल साउंड है वो भी सैंपल करके बाखूबी इसमें डाला हुआ है।
इसमें तीन तरह का साउंड इफेक्ट्स डाला गया है। मतलब एक किट में आप तीन साउंड इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक स्पेशल एम्बियंस दिया गया है। दोस्तों एम्बियंस आप खास करके किट में अलग से यूज कर सकते हैं, मतलब तीन इफेक्ट्स यूज करने के बाद आप चौथा इफेक्ट्स भी यूज कर सकते हैं जिसका नाम है एम्बियंस। दोस्तों साउंड इफेक्ट्स के बाद इसमें एक और यूनिक फंक्शन दिया गया जो खास करके इसके इंजन की वो क्षमता है कि आपके साउंड को यदि चाहें तो आप अच्छी तरह से इन्हेंस कर सकते हैं। इन्हेंस करने के लिए दो स्पेशल इफेक्ट दिया गया है, पहला है इक्वलाइजर और दूसरा है कंप्रेसर। दोस्तों इक्वलाइजर आप दो तरह से यूज कर सकते हैं, या तो आप किट में यूज कर सकते हैं या पर्टिकुलर सेपरेट पैड में। आप जो एक पैच टोटल 8 पैड मिला करके जो एक पैच बनाते हैं वो एक एक पैड में आप सेपरेट इक्वलाइजर यूज कर सकते हैं। इक्वलाइजर ही नहीं, आप चाहें तो कंप्रेसर भी यूज कर सकते हैं। जब आपका पैच कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद यदि आप चाहें तो किट मोड पे, मतलब ओवरऑल सेपरेट पैड यूज करने के बाद आप यदि चाहें तो किट मोड पे इक्वलाइजर और कंप्रेसर भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस पैड में तो ऐसे बहुत सारी खासियत है, लेकिन जो बहुत ज़रूरत की चीज़ है और जो हमेशा हम लोगों को यूज होता है मैं वो बता रहा हूँ आज। आपके पैड में जनरली हम लोग लाइव शो में मिस करते थे कि कोई पैड, यदि सपोज कीजिए कि एक पर्टिकुलर पैड में हमने कोई किक बना कर रखा है, इमीडिएट वो मुझे प्लेसमेंट करना है, एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना है, तो हम लोग क्या करते थे, देख देख करके इसका पैरामीटर याद करके वहाँ पर सेट करते थे। लेकिन दोस्तों आज आप इससे बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं। आज चाहे तो आप इमीडिएट कॉपी कर सकते हैं, कॉपी नहीं आप पैड सेपरेट पैड एक्सचेंज कर सकते हैं, यहाँ का पैड वहाँ का पैड वहाँ एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये पैड एक्सचेंज आपके किट मोड पे भी है, यदि आप चाहें तो एक नंबर का किक, यदि चाहें तो 99 नंबर के पैच में आप कहीं पे भी सेपरेट प्लेस कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं या एक्सचेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल अनूठा फंक्शन है और लाइव में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आज से कुछ दिन पहले स्टूडियो में जब अपना ऑक्टोपैड प्ले करने जाते थे तो एक समस्या होती थी, हमारा ऑक्टोपैड फाइन ट्यून नहीं होता था। लेकिन दोस्तों आज के डेट में आप अपने SPD20 Pro के थ्रू एक एक इंस्ट्रूमेंट फाइन ट्यून कर सकते हैं। फाइन ट्यून ही नहीं, यदि आप चाहें तो पैडल बैंड भी कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो SPD20 Pro में बहुत सारे फीचर हैं। हाँ एक और फीचर मैं बताना भूल गया था, दोस्तों आप अपने SPD20 Pro में डायरेक्ट पेन ड्राइव कनेक्ट करके अपना डेटा सेव कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और बहुत सारे फंक्शन हैं, तो दोस्तों इस सब के वीडियो मैं बारी बारी बनाऊंगा और कुछ दिनों के बाद आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। तब तक बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, प्लीज सब्सक्राइब स्वरित स्टूडियो।